Hani Prasad. And we have a responsibility to change the way we think. You all are all professors, assistant professors, some of you all are academicians. We have Honorable Minister here. We have the Honorable Member of Parliament here. I am there. We may not agree on many things, but you should put pressure on us to agree for the future and the survival and the existence of the Prasad community. That pressure you should keep on us all the time. That is your job as intellectuals, academicians, professors. You should tell us, stop fighting with each other. Speak in one voice for your community when you are outside Tripura, when you go to Delhi, when you go and meet the leaders. We should speak in one voice, because if we fight divided, we are not going to get anything. Alag alag awaaz mein baat kiya to kuch nahi hoga. तो आपका ये दायित्व बनता है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको आपको प्रेशर डाल के एक आवाज में बात करने के लिए बोलिए. क्योंकि आपको तो जैसे रेवती मुझे कह रहा था, आप लोगों पूरी जिंदगी के लिए आप प्रोफेसर्स और पीएचडी होल्डर्स बन गए. पॉलिटिकल लाइफ राजेश्वर जानता है, 5 साल के बाद कोई जीतता के लिए जीतता. लेकिन हमको अपना अधिकार के बारे में बात करो. वी हैव टू स्पीक फॉर आवर राइट्स. यू नो, पावर और राइट्स में एक फर्क है. पावर हमेशा आपको आपके साथ नहीं रहे. मेरा फैमिली ने त्रिपुरा में 1000 साल तक राज किया. एक समय आया जब अपने ही राजबाड़ी में बाहर के लोग आके बैठ गए, हम लोग हटा नहीं सके. 1974 में TRR इलाव एक्ट को इनैक्ट किया गया. ओवरनाइट हमारे त्रिप्रसा लोग, रॉयल फैमिली के लोगों को भी एक रात में हम लोगों को भूमिहीन किया, क्योंकि हमारे पास राइट्स नहीं था. डुंगूर में हमें हटाया गया क्योंकि हमारे पास वहां में जो रहते थे रियांग, त्रिपुरा, जमतिया, उनके पास राइट्स नहीं था. इसको बोलते हैं राइट्स. आज अगर मैं आई वाज टॉकिंग टू डॉक्टर जमतिया, कॉक टिपरा में कोई भी त्रिप्रसा लैंग्वेज में अगर हमको लिखना है, वी नीड टू राइट इन अ लैंग्वेज वी डोंट वांट टू राइट. सो शी सेज दैट वी शुड राइट इन अ स्क्रिप्ट विच इज एक्सेप्टेबल. लेकिन ये स्क्रिप्ट क्या होगा, ये चुनने का हमको राइट नहीं है. पावर क्या है? इलेक्शन में जीते, एमडीसी कोई बन गया, कोई ईएम बन गया. मेरे पिताजी भी एमपी बने, आज रेवती है. बाजूबन रियांग भी एमपी था, मिनिस्टर मेवाल भी था, आज विकास है. नागेंद्र जमतिया भी थे, श्यामाचरण त्रिपुरा एमएलए थे. लेकिन वो पावर है. पावर 20 लोगों को मिलता है, कभी कभी 25 लोगों को मिलता है. अधिकार 14 लाख त्रिप्रसा को मिल जाए तो वो 20-25 त्रिप्रसा जो पावर में है उसको भी अधिकार मिलेगा और पावर मिलेगा. दैट इज माय एम. और मेरा स्पीच पॉलिटिकल नहीं है, मेरा स्पीच है ही नहीं. मेरा एक दरख्वास्त है, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. वी आर ऑल ग्रोइंग ओल्डर. विकास इज नॉट वेल ऑल्सो, यू सिंग यू एस अनवेल, एम्स में थे वो. मैं भी बीमार हूं. हम लोग कब तक ये बात बोलते रहेंगे? घर बनाना, दोहा को एक रखना, थांसा लाना बहुत मुश्किल है. घर को तोड़ना, परिवार में झगड़ा लगाना, थांसा तोड़ना बहुत आसान है. आप डिसाइड कीजिए. If the Tiprasa society has to survive, Doha has to survive, do we need Hansa or do we need to fight with each other? यहां में गुरुई लोग हैं, वहां में बुमा लोग हैं. Have we done enough for the women? Women's reservation bill passed हुआ,
मैंने आज तक एक भी तिपरासा मेरे पार्टी से कोई कहीं से भी हो सोसाइटी के लीडर को नहीं लेता कि बोला वेरी वेल डन बुरी को अधिकार मिलना चाहिए। तो हम लोग भी कैसे आगे बढ़े थे कि तो विमेन दिए हैं हम लोग काले बाल हैं आप ये कपड़ा नहीं पहन सकते हो आप उसके साथ बात नहीं कर सकते हो ये लाइक काले बाल कोई भी प्रोग्राम हो हम लोग का पूरे लोग आके यहां में ममिता डांस करेगा वजागिरी डांस करेगा हम लोग भारत माता बना के रखते हैं लेकिन भारत माता को कोई अधिकार नहीं है। आज प्रॉपर्टी में संपत्ति में औरत को कुछ मिलता है तो अगर तिपरासा सोसाइटी हैज टू मूव अहेड इन लाइफ वी हैव टू स्टॉप ट्रीटिंग विमेन लाइक बार्बी डॉल्स वी हैव टू गिव देम एक्चुअल पावर एंड एक्चुअल पावर ऑन लैंड एंड फाइनेंशियल पावर एंड आई एम सेइंग दिस टू यू आई हैव फोर सिस्टर्स आई हैव अ मदर वी हैव टू डू दिस अदरवाइज कोई भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगा। और परिवार को एक रखने वाला मां होता है बहन होता है किसी का बीवी होता है। सो इंटेलेक्चुअल्स ऑफ त्रिपुरा शुड ऑल्सो सी हाउ इंटेलेक्चुअल दे आर वेन दे ट्रीट देयर वाइफ प्रॉपरली वेन दे ट्रीट देयर सिस्टर्स प्रॉपरली वेन दे ट्रीट देयर मदर्स प्रॉपरली। हम इंटेलेक्चुअल बन गए हमारे पास डिग्री आ गया लेकिन घर में मैंने अपने मां अपनी बीवी अपनी बहन को इज्जत नहीं दी अपनी बेटी को बोला तुम्हारा ये उम्र हो गया तुम शादी करो तो हम क्या खाप के इंटेलेक्चुअल सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली अच्छा औरत लोग जो बुरी लोग हैं हम ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं आपको पावर देने के बारे में बात कर रहा है गलत बोल रहा है कि ठीक बोल रहा है ठीक बोल रहा है जोर से बोलो चुपचाप रहा तो कभी कुछ नहीं मिलेगा अपना अधिकार के लिए आपको जोर से बोलना पड़ता है ठीक ही गलत मैंने और सुनाई दी ठीक ही गलत अभी ठीक बोल के वापस मेकअप करने से नहीं होगा आपको अपना अधिकार के लिए फाइट करना पड़ेगा यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स एंड ऑल ऑफ अस पीपल्स we have to speak and we have to fight for our survival and existence hani prasad bolne se nahi hoga humko ek dusre se kam ladna hai kyunki jab hum log ladte hain to hasta koi aur main isi gya hu isliye I don't want to fight I want to spread love and I want to give something to my people and my aim in life is no longer to be a political leader मैं अपनी मां को एक बात बोल रहा था परसों मां पैसा दादा से आया महल बाप ने दिया आपने हमको खाना दिया सर के ऊपर छत दिया शिक्षा दिया सब मिला है मुझे लेकिन एक चीज जिंदगी में आपको खुद कमाना पड़ता है वो है अच्छा नाम वो बाप दादा से नहीं आता है और मैं जानता हूं कि मेरा अच्छा नाम कब आएगा मेरा अच्छा नाम कब आएगा जब एक गरीब पिपरासा बोलेगा हां भूभागरा ने कुछ दिया ये आपको ऐसा नहीं मिलता है इसके लिए आपको खुद काम करना पड़ता है मेरा कर्म हो गया एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू समथिंग मैं आप सबसे आई आस्क यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड आई आस्क यू टू रिमेन यूनाइटेड बिकॉज इफ यू आर नॉट यूनाइटेड जो मणिपुर में हुआ है जो वायलेंस हुआ है मैं ऐसा वायलेंस त्रिपुरा में नहीं देखता जो सोसाइटी डिवाइड हुआ है रिलीजन के नाम में कम्युनिटी के नाम में जो भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं किसके लिए लड़ रहे हैं क्यों लग रहे रीजन क्या था रीजन तो सब भूल गए लेकिन आज एक दूसरे से फाइट कर आई डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन इन माई स्टेट ऑफ त्रिपुरा आई अपील टू वन ऑल ऑफ यू वंस अगेन एंड आई रिक्वेस्ट द त्रिपुरा एजुकेशन फोरम
You have done a wonderful job. And next time, आप फिर से बुलाएंगे, मैं जरूर आऊंगा. आपको भी कभी कभी आकर मुझसे मिलना चाहिए. मैं भी राक्षस नहीं हूं. फिर मिलेंगे जरूर. और मुझे बहुत दुख लगता था जब मैं अगरतला में कोई बोलता था रिगनाई को पासरा, डेरमा को शिधर. आज हम लोग कोई भी हो, एटलीस्ट टुडे द तीप्रासा कम्युनिटी हैज स्टार्टेड शोइंग दैट वी आर एज पावरफुल एज वी वर एंड वी आर नो लॉन्गर गोइंग टू टॉलरेट insult on a community, irrespective of which organization, which party, what is your surname. We have to have that sense of self-respect. जब मैं खानसा बोलता हूं, खानसा वोट के लिए नहीं बोलता हूं, खानसा इसके लिए बोलता हूं कि हम कहीं भी हो, कोई भी आपका सरनेम हो, कोई देव वर्मा हो, कोई जमकिया हो, कोई उच्चोय हो, कोई मूरा सिंह हो, कोई तोताराम हो, लेकिन हमको अपना कम्युनिटी को सामने रखना है, क्योंकि हमारा कम्युनिटी पीछे है. वी हैव टू स्पीक एज अ यूनाइटेड वॉइस. हंसा उसको बोलते हैं, हंसा का ये. आज जब कैनेडा के साथ इंडिया का प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम अ इंडियन, मैं भारतीय हूं, आई सपोर्ट माय गवर्नमेंट. अगर कल कोई पाकिस्तान के साथ कुछ हो या बांग्लादेश के साथ कुछ हो, मैं पहले चाइना के साथ कुछ हो, अरुणाचल में, आई विल सपोर्ट माई कंट्री. Because I am an Indian, I am a Bharatiya. But I also, अगर कहीं भी कोई भी तिप्रासा के साथ अन्याय हुआ या discrimination हुआ, then it is my duty to first speak for my people and then speak about other things. कुछ गलत बोल रहा हूं? कुछ गलत बोल रहा हूं? तो मैंने ये किया.